ये है टोयोटा इनोवा। अगर आपको इसका कंडेंसर वगैरह निकालना हो तो ये कंडेंसर के ब्रैकेट पे ऐसा लगा हुआ रहता है, तो ये कंडेंसर आप इसे निकाल सकते हैं। पहले ये यूज़ करना पड़ेगा और ये यूज़ करना पड़ेगा। ये नीचे एक पाइप, ऊपर एक पाइप कंडेंसर का जो मेन कंप्रेसर से आता, और ये नीचे जो कूलिंग कॉइल में जाता इवेपरेटर में। ये कंडेंसर है, तो कंडेंसर को निकालने के लिए आपको बस इधर नीचे से ऐसा खींचना पड़ेगा इसको, ऐसा ऊपर ऊपर की जो पट्टी होती है ना, वो पट्टी निकालना। अगर आपको चाहे तो निकाल सकते। ये तो क्या गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है ना, इसलिए ये गाड़ी है। तो अगर आपको रेडिएटर भी निकालना है तो रेडिएटर का भी बता देता। रेडिएटर ये 4 वोल्ट पर टिका हुआ रहता है, 1 2 और ये वाला 3 और ये 4। ये 4 वोल्ट पर रेडिएटर टिका हुआ रहता है। अगर आप ऐसा रेडिएटर के 4 वोल्ट खोल देते हैं तो ये जो है ना, ये कान दिख रहा है ना, ये कान इसके ऊपर टिका हुआ रहता है। ये कान है ना रेडिएटर का ही, ये कान और ये कान सपोर्ट भी बोलते हैं इसको, इसके ऊपर टंगा हुआ रहता है। ये ऐसा टंगा हुआ रहता है, इनोवा वगैरह का ऐसा टंगा हुआ रहता है। टंगा के आप रख सकते हैं, फिर उसके बाद आपने बोल्ट वगैरह लगा सकते, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेडिएटर पकड़ने के लिए। दोनों साइड वो है, ये कंडेंसर रेडिएटर बता दिया। अभी इसको हॉर्स पाइप, अपर टैंक वाला बॉटम टैंक का, फिर नीचे हॉर्स पाइप है, बॉटम टैंक का नीचे हॉर्स पाइप है। ये इधर रेडिएटर है, तो आपका ये दिखा था, ये ऊपर वाला जो टैंक था इसका, जो इधर लगने वाला है उसका, ये है ये लगेगा इधर। इसका हॉस पाइप वगैरह सब नीचे तक का जाता है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लगता है। ये वापस मैं इधर रख देता। अरे तोड़ तो, चल तोड़ ही जा, तोड़ ये इसका निकला था, मार तो मार। डीजल फ्यूल फिल्टर पूरा एक साल के पगार ये डूब गए, बट हमने इधर दूसरा लगा दिया। डीजल फ्यूल फिल्टर वगैरह सब लगा दिया ऑन द ब्रैकेट, ऐसा ऐसा। रेडिएटर कंडेंसर के ऊपर का जो बोल रहा था मैं, वो ये है। यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा नहीं कि कंडेंसर कैसा निकालते हैं, कैसा है, तो आप ऐसा देख सकते हैं।